नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 काव्य दूसरा तबियत तुम्हारी आती है, यह काव्य हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब उसका श्रद्धेय की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो श्रद्धेय का प्रश्न पहला है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उनका सवाल नंबर 1, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? चिड़िया किस समय खुशी के गीत गाती है? तो काव्य के अनुसार चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। दूसरा प्रश्न है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? हमें पता है कि जब शाम होती है या तो रात होती है तब उसका वातावरण कैसा होता है, और सुबह पर प्रकृति का वातावरण कैसा होता है। सुबह होने पर जो रात के तारे हैं वह आकाश में छिप जाते हैं, वह दिखाई देता नहीं है, और जो रात में अंधेरा छाया होता है वह सुबह होते ही दूर हो जाता है। और पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी हैं वह चहचहाने लगते हैं, सारी कलियां खिलने लगती हैं, फूलों की सुगंध हवा में चारों ओर फैलने लगती है, और सभी मनुष्य अपने काम में जुट जाते हैं। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति है वह जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। सुबह होने पर ये सारे बदलाव आते हैं। सवाल नंबर 3, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? हमें पता है कि पृथ्वी पर हरियाली वर्षा ऋतु में छा जाती है। जब वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है और वीरान पड़ी धरती पर घास उगने लगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं और पौधों को, पेड़ों को, सबको नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। और इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। सवाल नंबर 4, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो हरियाली है वह वर्षा ऋतु आने पर मैदानों में हरी घास उग जाती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली छा जाती है। सवाल नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, कि सुबह होने पर कलिया है वह भी नींद से जाग उठती है और अपनी बंद पंखुड़ियाँ है वह खोलती है, और ये जो दुनिया सोती है उन पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। दूसरी काव्य पंक्ति है, जब छमछम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। तो यहाँ पर भी वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है कि वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदे है वह छमछम करके धरती पर गिरती है, उसकी आवाज़ आती है, छमछम ऐसी आवाज़ है आती है। और कवि को यहाँ पर लगता है कि ऐसी जो बिजली की आवाज़ है उससे नृत्य करती है ऐसी लगती है, ऐसा लगता है कि बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठा है। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुबह, तो उसका समानार्थी होता है प्रातः काल। दूसरा शब्द है खुशी, तो उसका समानार्थी आनंद पहली लाइन पर दिया गया है। फिर है खुशबू, तो उसका समानार्थी है सुगंध। फिर बहुत, तो उसका समानार्थी ज़्यादा, और मुस्काना, तो हंसना। वाक्य में प्रयोग आपको करना है।
यहाँ पर इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम में क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। यहाँ पर पहला तो दिया ही गया है उठकर, फिर यहाँ पर उठकर के ऊपर एक जो बच्चा खड़ा है उन पर लिखा गया है मुस्कान, इसके पास चांद, उसके पास एक लड़की है, वहाँ पर लिखा है मैदान, फिर है कलिया और लास्ट में है उठकर। उठकर तो सबसे पहले आता है, हमें पता है कि पहले स्वर आते हैं, तो स्वर में अ से शुरू करके अ आ ई ई ऊ रू ए ऐ अम ए, वह जो शब्द है यह आते हैं। फिर आते हैं जो हम क से ञ तक के, तो यहाँ पर पहला शब्द उठकर दिया गया है, उसके बाद आएगा क, क से शुरू होता है कलिया, फिर आएगा चांद, फिर आएगा मुस्कान और लास्ट में आएगा मैदान। यहाँ पर हमारा स्वाध्याय है वह पूर्ण हुए। आपको यह पूरा स्वाध्याय प्रश्न एक, प्रश्न दो, प्रश्न तीन और चार यह सब लिखना है। प्रश्न चार में आपको यह चित्र दौड़ना नहीं है, सिर्फ उसका जो शब्दकोश के क्रम के आधार पर मैंने आपको बताया वही लिखना है।